अच्छा जी, ये जो प्रीवियस एग्जांपल हमने कल सॉल्व की थी, इसमें रिक्वायरमेंट के अंदर एक चीज और लिखी हुई थी, और वो क्या था कि व्हाट विल बी योर आंसर इफ द प्रोविडेंट फंड, व्हाट विल बी योर आंसर इफ प्रोविडेंट फंड वन इज अनरिकग्नाइज फंड, यानी यही प्रोविडेंट फंड अगर अनरिकग्नाइज हो जाए तो फिर आपको क्या करना होगा। सो अगर प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज हो जाएगा तो जस्ट मैं उसका हिंट दे देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे। सॉल्व इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आसान सी बात है, और वो आसान सी बात क्या है, तो इसमें आप देखें जो अनरिकग्नाइज फंड है उसमें क्या करना होता है, नो ट्रीटमेंट व्हेन व्हेन कंट्रीब्यूशन इज मेड, नो ट्रीटमेंट व्हेन रिटर्न्स आर क्रेडिट। इसको कुछ भी नहीं करना है, इन अमाउंट्स को शामिल नहीं करना, यानी 100800 को भी शामिल नहीं करना, 312800 को भी शामिल नहीं करना। सो टैक्सेबल इनकम में कुछ भी नहीं आएगा, इन दोनों अमाउंट्स की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल बस ये वाली अमाउंट्स होंगी। क्योंकि जब ये अमाउंट्स इकट्ठी होकर उसको मिलेंगी अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में, तो फिर क्या होगा कि ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। सो दैट विल बी द ट्रीटमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं जरा। मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉई ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, हिज रेमुनरेशन ड्यूरिंग द ईयर वाज एज फॉलोज। तो मिस्टर ए का कुछ रेमुनरेशन बताया हुआ है, इसमें क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा बेसिक सैलरी को, अगर आप थोड़ा सा जबानी में ऐसा डिस्कस करें, सारा टैक्सेबल कर देंगे हम, ऐसे ही है। रिवॉर्ड के केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस के केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ कार फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज, द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 11 लाख रुपए। सो इस कार को कन्वेंस को हमें वैल्यूएशन इसकी बनानी पड़ेगी। सो अगर मैं इसको जल्दी से यहाँ पे फिगर्स लिखता जाऊँ, सो मिस्टर जी सॉरी, ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, ब्राइटनेस इसकी क्यों सही नहीं हो रही। अभी देखें बेहतर हुआ है। हाँ, ये फिर प्रेजेंटर का मसला है यार। हाँ, मेरे पास तो अब ये फुल हुआ है, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा था। इधर फर्क ही, ये प्रेजेंटर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे तो कम ज्यादा हो रही है। चलें एनीवेज, ओके। सो पहला आइटम था बेसिक सैलरी का, आप ये सवाल पढ़ के मुझे बता सकते हैं कि ये मंथली बताया हुआ है कि एनुअल बताया हुआ है फिगर्स जो है। ड्यूरिंग द ईयर वॉज एज फॉलोज, तो इसका मतलब ये सालाना फिगर्स है बेसिक सैलरी का, 111,724,500। तो बेसिक सैलरी तो एज इट इज टैक्सेबल होगी, 111,724,500। दूसरा आइटम है रिवॉर्ड का, रिवॉर्ड में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो 22,062 रिवॉर्ड। ये एज इट इज टैक्सेबल होगा। थर्ड वन इज बोनस 3 लाख रुपए का, इसको भी हम, ये तो स्ट्रेट फिगर्स हैं, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, हमने सारा टैक्सेबल कर दिया। अच्छा जी, जो कन्वेंस इसको प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, ये किस यूजेज के लिए है, क्या है इसका बताया हुआ इंफॉर्मेशन, पर्सनल एंड बिजनेस यूज, और कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 11 लाख। तो अब मैं जो टैक्स का ट्रीटमेंट है वो एक दफा देख लेता हूँ। व्हीकल जब एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया हो और इसका ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज हो, तो आपने क्या करना होता है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल इसको सैलरी इनकम में शामिल करना होता है। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 11 लाख, तो 11 लाख रुपए का मैं क्या कर दूंगा, 5%। तो कन्वेंस जो प्रोवाइड की गई है उसकी वैल्यू आप कैसे बनाएंगे, 11 लाख × 5%। अच्छा, ये वैल्यू कितनी बनती है, 55,000।
ठीक हो गया जी. नेक्स्ट आइटम देखें क्या है. ऑन 1 जुलाई 2021 मिस्टर ए हैज बीन पेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंटिंग टू ₹10,50,000. द रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज टू बी मेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 ईच. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज ड्यू एंड पेड ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट वॉज ड्यू एंड पेड ऑन 30 जून 2022. अच्छा जी, इंटरेस्ट फ्री लोन इसके केस में हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक मार्कअप कैलकुलेट करना होता है बेंचमार्क रेट के ऊपर, और वो मार्कअप कैलकुलेट करके हम सैलरी इनकम में शामिल करते हैं. तो वो मार्कअप हमने कैलकुलेट करना है किस अमाउंट के ऊपर, जो भी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग लोन होगा. नाउ जो मेरा टैक्स पीरियड है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 2021 से खत्म हो रहा है 30 जून 2022 के ऊपर, ठीक है जी. और अब जरा देखें लोन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है. 1 जुलाई 2021 को लोन मिल गया इसे कितना, 10,50,000 रुपए का. तो 10,50,000 रुपए का इसको लोन मिल गया था 1 जुलाई 2021 को, ये मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए. रीपेमेंट जो है वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे होनी है, और पहली इंस्टॉलमेंट 50,000 की है जो इसने कब पे की है, 31 दिसंबर 2021 को. तो ये डेट मेरे इस टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, यस yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 माह गुजर चुके होंगे, दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ, और उसके बाद क्या होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट चेंज हो जाएगी. आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, 50,000 पे हो जाएगा ना, ठीक है, दिसंबर में. तो फिर बाकी 6 महीने के लिए ये वाली अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगी, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई सबको. अब अगर आप बेंचमार्क रेट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जरा एक दफा देख लेते हैं जो टैक्स लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें बताई हुई है, और वो क्या रिस्ट्रिक्शन बताई हुई है. इंटरेस्ट फ्री लोन के टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ. 10% से मैंने मार्कअप कैलकुलेट करना है, ये बेंचमार्क रेट है, लेकिन साथ में टैक्स लॉ ने ये भी कहा है अबव इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लोन अप टू ₹1,000,000. यानी अगर 10 लाख रुपए तक का लोन होगा तो फिर मैंने ये बेंचमार्क रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है. तो अगर आप ये देखो जो बाकी के 6 महीने हैं इसमें अमाउंट जो है वो अप टू 1,000,000 हो जाती है. तो इसका मतलब है कि इस 6 महीने के लिए मैंने कोई मार्कअप की कैलकुलेशन नहीं बनानी, क्योंकि लोन इज अप टू 1,000,000. लेकिन इस 6 महीने के लिए बनानी है, तो इसको 10% करेंगे, दिस 10% इज पर एनम, और चूंकि 6 माह के लिए है तो इसको 6/12 कर देंगे, ठीक है. तो 10,50,000 के ऊपर 10% बनाए कितना बनेगा, 1,05,000, और उसका 1/2 करेंगे या 6/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52,500. तो ये मार्कअप है जो मैं सैलरी इनकम में शामिल करूंगा. तो यहाँ आपने दो चीजें लर्न की, एक चीज आपने ये लर्न की कि जो भी लोन की अमाउंट है उसके ऊपर मुझे एक मार्कअप कैलकुलेट करके सैलरी इनकम में लिखना होता है. ये मार्कअप ना कोई किसी को पे कर रहा है ना कोई रिसीव कर रहा है, ये एक शेडो फिगर है, ख्याली फिगर है, नोशनल फिगर है, जो हमने कैलकुलेट सिर्फ इसलिए किया है कि सैलरी में उस बेनिफिट को क्वांटिफाई किया जा सके जो एम्प्लॉयर ने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन की सूरत में दिया है. दूसरी चीज आपने लर्न किया कि इसमें दूसरी चीज आपने लर्न ये किया है कि जिस वक्त लोन की अमाउंट चली जाती है ना 1,000,000 तक या इससे नीचे हो, तो वो अप टू 1,000,000 ही, अगर इससे नीचे भी हो तो फिर मैंने उसके ऊपर मार्कअप की कैलकुलेशन नहीं बनानी है, क्योंकि लॉ ने मना किया हुआ है कि 10 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर ये कैलकुलेशन ना बनाए. 6/12 इसलिए किया है क्योंकि जो लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा है ना, 10,50,000, हाँ जी ईयरली होता है ना, लेकिन जितने अच्छे जब टैक्स लॉ ने खुद ही ये कह दिया कि 1,000,000 तक आप कैलकुलेशन ना करो, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ना बनाओ, तो फिर हमें टैक्स लॉ की ये बात भी माननी पड़ेगी ना कि हम पहले ये 10% पर एनम से कैलकुलेशन तो बनाएंगे, लेकिन चूंकि लोन साल के बीच में 1,000,000 तक हो जाता है तो फिर जितने अरसे के लिए 1,000,000 रहा है उस अरसे की कैलकुलेशन नहीं बनानी, ठीक है. तो अगर आप इसको थोड़ा सा और मुश्किल तरीके से करना चाहें तो वो ये हो सकता है कि आप 10,50,000 रुपये पूरे साल का मार्कअप कैलकुलेट करें, लेकिन फिर 1,000,000 के ऊपर 6 माह का मार्कअप कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर दें तो एक ही बात बनती है, ठीक है. तो हम इसका मतलब ये है कि 52,500 जो है ये हमने जितने अरसे के लिए वो 10,50,000 आउटस्टैंडिंग था उतने अरसे का मार्कअप कैलकुलेट करना है, और बाकी जो 6 महीने हैं उसके लिए मार्कअप की कैलकुलेशन नहीं मिलानी. नेक्स्ट जी, 10,10,000 बनता तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे अब ये कह रहे हैं फिगर,
ये अब अगेन न्यूमेरिकल की फिगर नहीं है, ये इनका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, कि अगर फर्स्ट करें इंस्टॉलमेंट होती 40,000 रुपए की, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि साल शुरू हुआ तो लोन की अमाउंट थी 10,50,000 रुपए, तो इसके ऊपर तो मैंने 10% से कैलकुलेशन बनानी थी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर फिगर चेंज हो गई, यानी बाकी 6 महीने के लिए जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी वो थी 10,10,000 रुपए, तो इसका मतलब ये 10% मैंने कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स के लिए और इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो इसको भी अगेन मुझे 6/12 करना पड़ेगा, इसको भी अगेन मुझे 6/12 करना पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग जितने अरसे के लिए है ना उतने अरसे का मार्कअप कैलकुलेट करना है। नौ लाख तो वो तो 1 मिलियन से नीचे चला गया ना, तो उसके ऊपर तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, नहीं करनी, स्किप कर देनी है बिल्कुल, क्योंकि 1 मिलियन तक की अमाउंट पे कोई कैलकुलेशन नहीं है मार्कअप जी। और कोई ऑफ शूट अगर जेन में आ रहा हो तो उसको भी एड्रेस कर लेते हैं, ठीक हो गया। इन एडिशन टू अबव मिस्टर ए वाज ग्रांटेड स्टॉक ऑप्शन ऑफ 2500 शेयर्स बाय हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी एट $36 पर शेयर, आउट ऑफ द अबव स्टॉक ऑप्शन 1250 शेयर्स आर वेस्टेड टू हिम ड्यूरिंग द ईयर वर इमीडिएटली एक्सरसाइज बाय हिम, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज वॉज 41 पर शेयर, द एक्सचेंज रेट बिटवीन $ एंड पाक रुपीज on the date on which Mr. A exercises option was $1 is equal to 103 rupees. Now, ab ye stock option ka sawal hai, ab aapko isme I think itna zyada mushkil nahi hona chahiye. Hum ek dafa pehle bhi isko address kar chuke hain. So, kya karenge ji? Hum karenge ye ke sabse pehle ek rough working mein jaake ek decision tree bana lenge aur decision tree mein likhenge ki jab mujhe option milega to maine kuch bhi income mein nahi leke jana. इस ऑप्शन के साथ क्या हो सकता है, या तो इसको आप सेल कर दोगे या फिर एक्सरसाइज कर लोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपके पास शेयर आ जाएगा, शेयर आ जाएगा तो फिर आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देना है जो भी कॉस्ट थी और जो जवाब बनेगा उसको किधर ले जाना है, सैलरी इनकम में। ये सिंपल स्टोरी है, तो आप देख लें क्या बताया वो इन्फॉर्मेशन डेटा इसी के अंदर हम फीड इन कर लेते हैं कि इन एडिशन टू अबव मिस्टर ए वॉज ग्रांटेड स्टॉक ऑप्शन, 2500 शेयर का ऑप्शन था, जो ऑप्शन था उसमें आप कितने शेयर खरीद सकते थे 2500, ठीक है जी, और कितने में खरीद सकते थे $36 का एक शेयर आप खरीद सकते थे आउट, ये जो $36 है इसको हमने क्या बोला था, ये क्या है, ये एक्सरसाइज प्राइस है, ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस है $36, आउट ऑफ द अबव स्टॉक ऑप्शन 1250 शेयर वर वेस्टेड टू हिम, वेस्टेड टू हिम मतलब उसको उसने एक्सरसाइज किया उसके पास शेयर आ गए during the year which were immediately exercised by him, the price of the share at the time of exercise was $41 per share. तो अब इसका मतलब इसमें ऑप्शन के कौन से रास्ते पे आप जा रहे हैं, आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज किया आपने, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी बताई हुई है $41, कितने शेयर हैं जो आपने एक्सरसाइज किए हैं 1250, और रुपीज में कैलकुलेशन बनानी है तो इस दिन का डॉलर का कन्वर्जन का रेट कितना है 103, और इसके लिए आपने खर्चा कितना किया है, कितना खर्चा उठाया आपने, एक्सरसाइज प्राइस पे की होगी ना एक्सरसाइज 36, ठीक है, सो $36 ये आपने अखराजात किए हैं, सो $36 1250 शेयर्स के ऊपर 103 रुपए के हिसाब से, तो ये ऊपर वाला फिगर कितना बन जाता है 5,278,750, और दूसरा फिगर क्या बन जाता है 46,25,000, 35,000, नहीं जी क्या जवाब बनाया आपने 44,49,600 है, अच्छा जी ये मुझे ऑनलाइन भी बता रहे हैं 44,600 एक मिनट सर, हाँ ये है, ठीक है चले ग्रेट हो गया, करें माइनस क्या बनता है, हाँ यहाँ 1250 है ये, वो मेरी लिखाई ऐसी होगी 29,150, एक मिनट यार पहले ये फैसला तो करो ना, 36 मल्टीप्लाइड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 103 4, 6, सर वो आपने
बड़ा हाँ सा जी जी मेरी गलती, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आपकी नहीं गलती नहीं कुछ नहीं। है। चले जी आप बताएं, माइनस करके। हाँ बोलो यार। 643 750। ठीक है जी। अच्छा एक शॉर्टकट मेथड ये हो सकता है कि आप इसको 41 में से 36 माइनस कर दो, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1250 मल्टीप्लाइड बाय 103, तो इट विल गिव यू द सेम आंसर जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो 643750 हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा सैलरी का? 643750 सो ये शेयर ऑप्शन स्कीम। और कोई इनकम बता रहा है जी सवाल में आपको? और तो कोई इनकम नहीं है, कंप्यूट करना है आपने टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल। ठीक है जी। सो ये अब इसके ऊपर आपने इनकम की कैलकुलेशन टोटल कर लेनी है, टैक्स कैलकुलेट करके आपने आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है, एंड देन वील सी कि आपने सही जवाब बनाया कि नहीं बनाया। आंसर मुझे वैसे एक दो लोग ही भेजते हैं, बाकी लोग क्या है नाराज है या थक जाते हैं घर जाके या भूल जाते हैं, क्या होता है? एक या दो स्टूडेंट्स का आंसर आता है मेरे पास। अच्छा जी इससे अगला जो सवाल है ये है एग्जाम क्वेश्चन, तगड़ा सवाल। आई कैप स्प्रिंग 2021, तो मार्च 2021 में ये टेस्ट हुआ है, सैलरी के टॉपिक का सवाल है, जरा देखते हैं क्या है इसमें, और पता चलेगा आपको कि कितना आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, फिर हम इसकी एक रफ कैलकुलेशन बनाएंगे और नीट कैलकुलेशन आप बनाएंगे, ठीक है? फिर आप वो मुझे व्हाट्सएप करोगे, यू विल व्हाट्सएप मी नॉट जस्ट दी आंसर, आप मुझे उसका जो आप जो फॉर्मेट आपने यूज किया, कैसे किया, वर्किंग कैसे बनाई, वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उस पर मैं आपको कॉमेंट दूंगा। क्योंकि अभी जो बात स्टूडेंट्स मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व करके जो भेज रहे हैं, मुझे प्रेजेंटेशन के ऊपर काफी ज्यादा एतराज है आप लोगों की, कि आप क्या कर देते हैं सवाल का जो सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो आप घिच मिच कैलकुलेशन जो है ना वो स्टेशनरी सेविंग स्ट्रेटेजी पे आप चल रहे होते हैं कि यार एक सफ़े पे हो जाए सवाल मुकम्मल तो बहुत अच्छा है, एक पेज बच जाएगा, तो ये पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को अगर आपका सवाल जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, तो उसके पास लिमिटेड टाइम है, उसने और बच्चों के पेपर भी देखने हैं, उसको इवन नाम भी नहीं पता जिसका वो पेपर चेक कर रहा है कि ये कौन है, ठीक है? क्योंकि वो पोर्शन ही फाड़ दिया जाता है कि जिस पे नाम लिखा होता है, तो एग्जामिनर जो है ना वो फोकस कर रहा है आपके सोल्यूशन के ऊपर, उसको अगर थोड़ी देर समझ नहीं आएगा ना तो वो कहेगा यार ये इसने गलत किया है, वो क्रॉस मार देगा उसको। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो आप किसी अच्छे होटल में अगर जाके वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पेप्सी कोका कोला, तो वो महंगी मिलती है आपको, सारे पैसे प्रेजेंटेशन के हैं, उसको के इर्द गिर्द जो चीज़ है, ठीक है, उसके पैसे। तो इसलिए प्रेजेंटेशन मेक्स द डिफरेंस, आपकी आंसर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए जो आपने बनाना है। उसके लिए आपने तरीकेकार ये अडॉप्ट करना है कि अपनी जो आंसर शीट है ना, ये मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वो इस तरह से आपके सामने ये जो पेज है, हमेशा आपने आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर पिछला क्वेश्चन आपका फर्स्ट कर लो कि यहाँ पे खत्म हो गया, कोई बात नहीं ये जगह छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने दो सफ़े अगर खाली छोड़े हुए हैं ना, इसके कोई नंबर कटेंगे नहीं, इससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? आपने सवाल हमेशा शुरू करना है यहाँ से, जो न्यूमेरिकल है ना मेन आपका, वो इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख कर अपनी आंसर शीट में आपने जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो लिख देनी है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज डॉक्टर जमाल अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल वो आपसे पूछ रहा है और एडवाइस मांग रहा है। तो यहाँ पे आपने एक जो जवाब लिखना है उसमें आपने आपकी एडवाइस होनी चाहिए कि मैं क्या इसको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो उसको आंसर चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। इससे आगे आपने जो ये वाली जो शीट होगी इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने एक हेडिंग लगानी है एजम्पशन, और इसको खाली छोड़ देना। एजम्पशन में आप क्या चीजें लिखेंगे, जैसे हमने कल एक सवाल सॉल्व किया था कि प्रोविडेंट फंड, उसके बारे में मालूम नहीं था कि रिकग्नाइज या अनरिकग्नाइज क्या करें थे, तो वो एजम्पशन में आप बताएंगे कि ये रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी के केस में आपने एजम्पशन अगर लेना है कि जी इसकी वो एनटीएन नंबर प्रोवाइड हुआ हुआ है और उसने एम्प्लॉयर ने अटेस्ट किए हुए एक्सपेंसेस,
तो ये सारी चीजें आप assumptions में लिखेंगे, जो सवाल पढ़ते हुए आपको मुख्तलिफ चीजें आती जाएंगी कि यार इस पे मुझे कोई assumption लेने की जरूरत है, वो यहाँ पे assume कर देना। फिर इस पेज को आपने टर्न ओवर करना है, दोबारा से इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी आंसर शीट। अब ये वाला जो पेज होगा, यहाँ पे आपने बनानी है अपनी पहली वर्किंग। वो जो पहली वर्किंग होगी वो क्या होगी, वो जो पहली वर्किंग होगी वो आपने ये वाली बनानी है। ये जो आपने लिखना होता है ना कि हेड्स ऑफ इनकम क्या होंगे, हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम, ये सारा फॉर्मेट जो यहाँ पे इस कॉलम में आपको नजर आ रहा है ये आपने बना छोड़ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, दो चार सवाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें से कौन सी चीज नहीं लिखनी। मतलब अगर सवाल के अंदर प्रॉपर्टी इनकम का जिक्र ही नहीं है तो प्रॉपर्टी इनकम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सैलरी इनकम लिखे हैं, नीचे टोटल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस अगर नहीं है तो छोड़ दें, सीधा टैक्सेबल इनकम ही लिख दें। ठीक है, तो ये फॉर्मेट की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये आपने यहाँ पे बना देना है इस फॉर्मेट। और उसके बाद आपने यहाँ से समझें कि वर्किंग सेकंड अपनी शुरू कर देनी। तो वर्किंग सेकंड यानी ये चूंकि सैलरी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो सैलरी की आपकी जो पहली वर्किंग होगी वो किस तरह की होगी, तो वर्किंग सेकंड विल बी फॉर सैलरी। और इसमें आपने वो तीन कॉलम्स बना देने हैं, ग्रॉस, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। ये समझे कि वो टेम्पलेट है जो आपने एग्जाम में बना लेना है सबसे पहले सवाल सॉल्व करें। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाए जिस जिस जगह रखनी है रखते जाए, वर्किंग एक और बनानी है, दूसरी बना लें, तीसरी बना लें, चौथी बना लें, वो अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे आप वर्किंग बनाते जाए। सो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई वर्किंग फर्ज करें कि आधे पेज पे खत्म हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप वो बाकी पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे वर्किंग खोल लें। ठीक है, उससे होगा ये कि बार दफा सवाल को सॉल्व करते हुए आपको किसी वर्किंग के ऊपर बाद में ख्याल आता है कि वो ये गलती हो गई है, ये इन्फॉर्मेशन लिखनी रह गई, तो वो नीचे आपके पास जगह होगी, वहां पे आप लिख सकेंगे। इससे एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट ज्यादा इस्तेमाल होगी और आप एक्स्ट्रा शीट मांगेंगे तो बाकी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए बच्चों के ऊपर एक डिप्रेशन भी तारी होगा कि मेरे से तो अभी आधी शीट भी नहीं हुई, इसने नेक्स्ट शीट कैसे मांगी, और आपके पास करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, सवाल देखते हैं हम जरा जल्दी से, है क्या सवाल में। ऑन 31 December 20X1 डॉक्टर जमाल रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल इन January 20X2 ही रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। तो ये सवाल शुरू ही किससे हो रहा है, रेजिग्नेशन से, रिजाइन कर दिया और उसको सेटलमेंट में ये तीन अमाउंट्स मिल रही हैं, कौन कौन सी, 6 लाख एज लीव इन कैशमेंट, 85 लाख 10 हजार फ्रॉम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और 13 लाख and 17 लाख एज सैलरी एरियर रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 20W9 and 20W0। ठीक है जी, नाउ लीव इन कैशमेंट पहला अमाउंट ही क्या आ रहा है, लीव इन कैशमेंट ट्रीटमेंट पता है आपको, इसका पता है ना कि जो लीव इन कैशमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय की LPR की इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट है, ये लिखा हुआ ट्रीटमेंट। लेकिन ये तो किसी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड, यानी ये तो कोई कंपनी, हॉस्पिटल इज रनिंग इन द फॉर्मेट ऑफ अ कंपनी, तो इसका मतलब है कि सरकारी मुलाजिम तो नहीं है और LPR की इनकैशमेंट भी नहीं है, तो ये सारी की सारी 6 लाख क्या होगी, टैक्सेबल। दूसरी अमाउंट है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले हैं 85 लाख 10 हजार, तो प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब ये आपको कौन से वाली इंफॉर्मेशन बता रहा है सवाल में, प्रोविडेंट फंड जब आपको मिला, यानी अब ये कंट्रीब्यूशंस की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस की बात हो रही है, और फंड कौन सा है, रिकग्नाइज, तो क्या करेंगे, सारी अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो इनकम में लाने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी आपको। ठीक है, 85 लाख 10 हजार फ्रॉम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, 13 लाख और 17 लाख सैलरी के एरियाज मिले हैं। असल कहानी, जो असल मसला है वो ये है कि ये जो इसको सैलरी के एरियर मिले हैं, ये इसमें अब इन्होंने ईयर्स इस तरह से बताए हुए, ये देखें जरा, W9, W8, W9, W के बाद क्या आता है, X, X0, X1, तो ये चार कंटिन्यूस ईयर्स बताए हुए इसने, ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, मजीद आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो अब ये इसने बताया जी आपको कि मुझे कुछ एरियाज मिले W9 के और X0 के, इसका मतलब कौन सा साल बन रहा है, एक ये वाला
और दूसरा ये वाला, इन 2 सालों के आपको सैलरी के एरियस मिले हैं, और ये जो सैलरी के एरियस मिले हैं ये अमाउंट उसने बताई है कितनी, 13 लाख और 17 लाख, लेकिन मिल किस साल में रहे हैं? ट्वेंटी एक्स टू में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैं कैलकुलेशन बना रहा हूँ ये मैं कौन से साल की बना रहा हूँ, एक्स टू की। इससे पीछे कौन सा साल था, अगर मैं यहाँ पे अगर लाइन में लिख लूँ, 20x2 से पीछे कौन सा साल था, x1, इससे पीछे x0, उससे पीछे w9। तो w9 और x0 का कुछ पैसा था 13 लाख और 17 लाख, 13 लाख और 17 लाख, लेकिन मिल आपको इस साल में नहीं। तो अब आपको सबसे पहले तो डिसाइड ये करना है कि क्या ये इसी साल में टैक्सेबल होंगे या इनको रेलेवेंट ईयर्स में टैक्स करना होगा, ये फैसला करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस साल के नहीं है ये, एरियर्स हैं। तो इसके लिए आप किधर चले जाओगे, आप चले जाएं जरा बेसिस ऑफ टैक्सेशन में, और यहाँ पे क्या लिखी हुई है एक चीज, एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन टैक्स ईयर कॉज हायर टैक्सेशन देन टैक्स पेयर बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर टैक्स सैलरी ऑन अक्रूअल बेसिस। तो ये जिस वक्त हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ टैक्सेशन का टॉपिक, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये टैक्स पेयर के पास क्या है, चॉइस है, वो चाहे तो इसको नोटिस, एक कमिश्नर को नोटिस भेजकर क्या करे, जिस साल की इनकम है उसी इनकम में टैक्स कर ले, उसी साल में टैक्स कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको सवाल के 2 जवाब बनाने पड़ेंगे। एक आंसर वो बनाएंगे आप जिसमें आप कहेंगे कि मैं सारी इनकम ऑल एरियर्स इन टैक्स ईयर 20x2 में ले रहा हूं, ठीक है जी। और एक सोल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आप कहेंगे कि मैं 20x2 में सिर्फ कौन सी इनकम कंसिडर कर रहा हूं, लीव इन कैशमेंट और प्रोविडेंट फंड, जो इस साल की है, इस साल की यही है ना, लीव इन कैशमेंट और प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये कुछ और भी आगे बताया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं क्या है। लेकिन ये जो एरियाज है इसको आप क्या करेंगे, दूसरा सोल्यूशन जो आप बनाएंगे वो उसी सालों में उसको टैक्स करना है। ये कैसे करेंगे आप, ये ऐसे करेंगे कि 20W9 में पहले देखोगे कि पहले उसकी इनकम कितनी है, कितनी है, 32 लाख। 32 लाख में जो इनकम यहाँ पे W9 की बताई वो कितनी है, 32 लाख में आप जमा करेंगे 13 लाख, कि मैं इसको उसी साल में टैक्स करता हूँ जिस साल की ये इनकम। तो पहले उस इनकम में ऐड करोगे आप और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लैब रेट्स चाहिए होंगे, तो वो स्लैब रेट्स आपने जो गिवन होंगे एग्जाम में वही लेने हैं। आपको अगर करंट ईयर के टैक्स रेट्स दिए हैं तो आपने वही ले लेने, ठीक है। अगर करंट ईयर के टैक्स रेट इस सवाल में क्या किया था एग्जामिनर ने, W9 के कोई अलग रेट्स नहीं बताए, तो फिर आप कौन से रेट्स इस्तेमाल करेंगे, जो इसी के हैं, X2 के ही यूज कर लेंगे। और 32 लाख जमा 13 लाख के ऊपर, तो 32 लाख जमा 13 लाख के ऊपर ये जो इनकम बनेगी इसके ऊपर आप टैक्स स्लैब अप्लाई करेंगे और एक टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया इसमें से आप माइनस कर देंगे वो टैक्स जो ऑलरेडी पे हो चुका है, कितना पे हो चुका है, ये लिखा है ना टोटल टैक्स पेड 404,500, तो इसमें से आपने माइनस कर देना है 404,500। तो अब जो भी यहाँ पे एक्स अमाउंट थी इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये वो अमाउंट आएगी जो अब इसने टैक्स अदा करना है, इसी तरह आप W, जैसे आपने ये W9 के लिए किया इसी तरह आप क्या करेंगे X0 के लिए करेंगे। क्या करेंगे, X0 की कितनी इनकम बताई हुई है, कितनी बताई हुई है, 38 लाख, ठीक है, समझ आ रही भाई। सॉल्व आप एक फिगर वर्क आप करेंगे घर पे जाके इसका, ठीक है, फिर अपना सोल्यूशन मुझे सेंड करना है आपको। तो 38 लाख रुपए X0 की इनकम है, इसमें आप जमा करेंगे 17 लाख जो इस साल का एरियर है, इससे एक इनकम की फिगर बनेगी, उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे टैक्स स्लैब और एक टैक्स का फिगर बनेगा, लेट्स से इट इज एक्स। इसमें से माइनस कर दें जो ऑलरेडी इसने टैक्स अदा कर दिया है, कितना, 3 लाख रुपए, तो इसमें से आप माइनस करोगे 3 लाख रुपए, तो इसका मतलब अब कुछ अमाउंट आई
जो टैक्स इसने अदा करना है अभी, टैक्स टू बी पेड। ठीक हो गया जी। सो अब मेरे पास जब मैंने सॉल्यूशन वन बनाया तो मैंने ऑल एरियाज टैक्स ईयर 20x2 में लिखे, और इसके ऊपर एक यानी टैक्स की फिगर वर्कआउट कर ली। दिस इज माय फिगर नंबर वन। ये मेरा कौन सा फिगर हो गया जी, फिगर नंबर वन। इसको मैंने कंपेयर करना है दूसरा जो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में मैं क्या करूंगा कि कुछ अमाउंट यहाँ पे बनेगी जो मैंने मजीद अदा करनी है, कुछ अमाउंट यहाँ पे बनेगी जो मैंने मजीद अदा करनी, और कुछ इनकम 20x2 की भी तो है, x2 की भी तो कुछ इनकम है, वो कौन सी है, ये जो थी, इसके ऊपर भी आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो x2 की जो इनकम है उसके अंदर टैक्स, एरियस के ऊपर टैक्स, इनके रेलिवेंट ईयर्स में कैलकुलेट करना है। और फिर इन तीनों फिगर्स को आपने क्या कर लेना है, प्लस, और इसका जो जवाब बनेगा दैट विल बी माय फिगर सेकंड। ठीक है जी। एंड देन यू विल कंपेयर द फिगर वन विद फिगर टू, और फिर आप बताएंगे कि किस ऑप्शन पे जाएं तो टैक्स कम बन रहा है। तो जिसमें कम बन रहा है वो आप टैक्स पेयर को एडवाइस करेंगे, वो जो पहले पेज पे आपने आंसर लिखना है ना वो फिर आप बताएंगे जी आपको ये वाला रास्ता फॉलो करना चाहिए। सवाल में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है वो देख लेते हैं। डॉक्टर जमाल हैड रिसीव्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम जुलाई X1 टू दिसंबर 20X1। तो इसका मतलब ये मेरे टैक्स ईयर की आमदनी है, तो कुछ सैलरी भी है जो इसने 6 मंथ की इसने रिसीव की है जुलाई से दिसंबर तक की, तो वो भी इसी साल की इनकम है 5 लाख पर मंथ के हिसाब से, और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स की इनकम इसने बताई है आपको। ठीक है जी। थम्स अप। सवाल समझ आ गया करना क्या है इसमें, तो यू विल सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, और मैं इसका वैसे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन वो करूंगा कल, कल मैं वो सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आज का दिन आपने जरा, ये आपका होमवर्क है, इसको जरा करें। इट्स अ वेरी आई मीन हैंडसम एंड हेल्दी एक्सरसाइज, आपके दिमाग की जरा शरियाने खोलेगा, क्योंकि दिमाग खोल के करना पड़ेगा, ये सवाल इतना ईजी नहीं है। अच्छा जी, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ना सैलरी के हेड ऑफ इनकम पे, हाँ इससे आगे प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, ये ऑटम 2020 यानी सितंबर 2020 का ये एक सवाल है। इस सवाल में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं, ये आपने खुद से करना है, क्योंकि अब जितनी हम प्रैक्टिस अभी तक मैंने करा दी ना आपको वो इनफ है। अब आई थिंक इस सवाल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके सामने नोट्स पड़े हों तो आप उसको एड्रेस ना कर सकें। ठीक है, सो यू विल डू इट। अब इसमें मजा तब आएगा कि जब आप अपना कंफ्यूजन मेरे से पूछेंगे। इस सवाल का भी मैं सोल्यूशन आपसे शेयर करूंगा कल, ठीक है, उस सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे आप जो आप अपना सोल्यूशन बनाएंगे उसके साथ। इस सवाल को मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा, मैं कल भी इसको डिस्कस नहीं करूंगा, कल मैं सिर्फ जो पिछला जो मैंने सवाल बताया उसका सोल्यूशन थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे। इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ सोल्यूशन एक दे दूंगा आपको, आपने खुद से सॉल्व करना है और फिर अपना कंफ्यूजन पूछना है, क्योंकि अब वो चीज आपको समझ आएगी जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये सवाल पूरा मैं एक्सप्लेन करता रहूं मजा नहीं आएगा उसका, राइट। तो मैंने आपको चलना सिखाना है, दौड़ना आपने खुद सीखना है, वो प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ठीक है, तो अगर बिकॉज यू आर द टीम एंड आई एम द कोच, तो मैंने बताना है करो क्या, तो उसमें आपके जहन में ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि पहले तुम करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तुम पहले, फिर हम करेंगे, राइट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड के 4 चक्कर मारो, तो आपने मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करा कि नहीं सर पहले आप लगाएं ना 4 चक्कर फिर हम लगाते हैं, तो आपने भागना है क्योंकि मैदान में आपने खेलना है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन आपसे शेयर करूंगा, आप सोल्यूशन देख के कंपेयर करेंगे, अच्छा यार मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, और उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, वो चीज जब आप मुझसे पूछेंगे दैट विल बी द सुप्रीम लर्निंग, वो लर्निंग पॉइंट होगा आपका जो आप सीख जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ऑनलाइन में कोई सवाल है किसी का, एनी क्वेश्चन?
क्वेश्चन ये है कि प्लीज शेयर दीज क्वेश्चन। ओके, ये मैंने पीडीएफ फाइल्स नहीं शेयर की हुई, तो मैं आज शेयर कर दूंगा बिल्कुल, आपको व्हाट्सएप में डाल देता हूँ या आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व। और एनीथिंग एल्स व्हाट्सएप में क्या आएगा? चाहिए तो मेरा अपना मैसेज। ठीक हो गया जी, चलें क्लोज करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच।